जरा सोचिए कि अगर आपकी कार में पेट्रोल डीजल सीएनजी की टेंशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, तो आपकी कार अगर नमक से चलने लगे तो रोमांचित हो गए। अगर इलेक्ट्रिक उपकरणों से लेकर इलेक्ट्रिक कार तक बैटरी के लिए लेथिनियम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन समस्या ये है कि इसका भंडार सीमित है और इस सेक्टर में ऑस्ट्रेलिया और चीन की बादशाहत है, जबकि अर्जेंटीना, यूक्रेन और चीनी जैसे देशों में भी लिथियम के भंडार है और अब भारत में भी जम्मू कश्मीर में इसका भंडार पाया गया है। वर्ष 2040 तक लिथियम की जो खपत है 50 गुना बढ़ जाएगी, लेकिन इतना लिथियम आएगा कहाँ से, वो भी बड़ा सवाल है। नमक यानी कि गरीबों का लिथियम, नमक का रासायनिक नाम आपको बता दें सोडियम क्लोराइड, और इसे क्लोरीन को अलग अगर कर देने पर सोडियम मिलेगा। और जो है केमिस्ट्री के सीनियर टीचर डॉक्टर सरयुग गुप्ता बताते हैं कि सोडियम और लिथियम में समान गुण होते हैं। ये दोनों ही धरती पर पाई जाने वाली क्षारीय धातु है। दोनों के बाहरी आवरण में एक जो है इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों ही ऑक्साइड नहीं बनाती और समान तरह की प्रतिक्रियाएँ करती है। लिथियम की तुलना में सोडियम बेहद सस्ता होता है, ऐसे में सोडियम को गरीबों का लिथियम कहा जाता है। अब बात करते हैं सोडियम से बैटरी तैयार होने की संभावना कितनी है। लिथियम की बैटरियों को सोडियम से बनी बैटरी से बेहतर बताया जाता है, लेकिन लिथियम की डिमांड ज़्यादा है और भंडार कम है, ऐसे में सोडियम की बैटरी बहुत सस्ता है विकल्प हो सकता है। करीब 10 साल पहले जहां इसकी कीमत करीब $4,500 प्रति टन करीब थी, वही आज इसकी कीमत $80,000 प्रति टन के भी पार पहुंच चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक कारें भी हो जाएंगी सस्ती। इलेक्ट्रॉनिक कारें, उनकी बैटरी की लागत वो कीमत के चलते महंगी होती जा रही है। लिथियम की तुलना में देखें तो सोडियम करीब 100 गुना सस्ता है। सोडियम आयन बैटरियों का इस्तेमाल कारों को किफ़ायती बनाने में किया जा सकता है। किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत का एक बड़ा हिस्सा बैटरी का ही होता है। अब आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि अगर बैटरियां 100 गुना तक जो है सस्ती हो जाए, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है कितने अधिक सस्ते हो जाएंगे। ज़रा सोचिए कि अगर आपकी कार में पेट्रोल डीजल सीएनजी की टेंशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, तो आपकी कार अगर नमक से चलने लगे तो रोमांचित हो गए। अगर इलेक्ट्रिक उपकरणों से लेकर इलेक्ट्रिक कार तक बैटरी के लिए लेथिनियम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन समस्या ये है कि इसका भंडार सीमित है और इस सेक्टर में ऑस्ट्रेलिया और चीन की बादशाहत है, जबकि अर्जेंटीना, यूक्रेन और चीनी जैसे देशों में भी लिथियम के भंडार है और अब भारत में भी जम्मू कश्मीर में इसका भंडार पाया गया है। वर्ष 2040 तक लिथियम की जो खपत है 50 गुना बढ़ जाएगी, लेकिन इतना लिथियम आएगा कहाँ से, वो भी बड़ा सवाल है। नमक यानी कि गरीबों का लिथियम, नमक का रासायनिक नाम आपको बता दें सोडियम क्लोराइड, और इसे क्लोरीन को अलग अगर कर देने पर सोडियम मिलेगा। और जो है केमिस्ट्री के सीनियर टीचर डॉक्टर सरयुग गुप्ता बताते हैं कि सोडियम और लिथियम में समान गुण होते हैं। ये दोनों ही धरती पर पाई जाने वाली क्षारीय धातु है। दोनों के बाहरी आवरण में एक जो है इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों ही ऑक्साइड नहीं बनाती और समान तरह की प्रतिक्रियाएँ करती है। लिथियम की तुलना में सोडियम बेहद सस्ता होता है, ऐसे में सोडियम को गरीबों का लिथियम कहा जाता है। अब बात करते हैं सोडियम से बैटरी तैयार होने की संभावना कितनी है। लिथियम की बैटरियों को सोडियम से बनी बैटरी से बेहतर बताया जाता है, लेकिन लिथियम की डिमांड ज़्यादा है और भंडार कम है, ऐसे में सोडियम की बैटरी बहुत सस्ता है विकल्प हो सकता है। करीब 10 साल पहले जहां इसकी कीमत करीब $4,500 प्रति टन करीब थी, वही आज इसकी कीमत $80,000 प्रति टन के भी पार पहुंच चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक कारें भी हो जाएंगी सस्ती। इलेक्ट्रॉनिक कारें, उनकी बैटरी की लागत वो कीमत के चलते महंगी होती जा रही है। लिथियम की तुलना में देखें तो सोडियम करीब 100 गुना सस्ता है। सोडियम आयन बैटरियों का इस्तेमाल कारों को किफ़ायती बनाने में किया जा सकता है। किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत का एक बड़ा हिस्सा बैटरी का ही होता है। अब आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि अगर बैटरियां 100 गुना तक जो है सस्ती हो जाए, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है कितने अधिक सस्ते हो जाएंगे।